हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फ्लेवर ऑफ रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गाठियाँ नमकीन। यूँ तो नमकीन गाठियाँ बाज़ार में भी बहुत अच्छे मिलते हैं, पर हम इसे घर पर भी आसानी से और शुद्ध तरीके से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको चाहिए बेसन। ये मैंने बेसन लिया है, ये 1 कप बेसन है। और इसी तरह से हम 2 कप बेसन लेंगे। इसको मैंने दबा दबा करके भरा है पूरा 1 कप बेसन। और इसी तरह से हमें 1 कप बेसन और चाहिए। तो ये रहा हमारा 1 और कप बेसन, मतलब दोनों मिला करके हमारे 2 कप बेसन हो गए हैं। तो अब इस बेसन को हम इसमें ही डाल देते हैं। ये हमने मेजरिंग कप से लिया है, मेजरिंग कप से ये 2 कप बेसन है। और पूरा टोटल बेसन, पूरा वजन में हमारा 250 ग्राम बेसन है। अब जिस कप से हमने बेसन लिया था उसी कप से 1/2 कप हमने ऑयल लिया है। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो वजन में ये ऑयल 100 ग्राम है हमारा। अब इस ऑयल को हम किसी बर्तन में डालेंगे और इसको गैस पर रख करके हमें गर्म करना है। इतना हमने ऑयल लिया था 1/2 कप, उतना ही 1/2 कप मैंने इसमें पानी ले लिया है। उतना ही हमें पानी लेना है, पानी भी हमारा वजन में 100 ग्राम है। और पहले हम अपने ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अब हमने ऑयल को गैस पर रख दिया है, इसे हमें अच्छा गर्म होने देना है। बस हमें इसे गर्म करना है अच्छा तेज़, लेकिन इसमें कोई बॉयल फॉयल नहीं लेना, कोई उबाल नहीं लेना हमें इसमें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा तेल अच्छा गर्म हो गया है, तो इसमें से हल्का सा धुआं भी उठ रहा है। अब मैंने अपनी गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। अब इस ऑयल में हमने जो ये पानी लिया था वो पानी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ये हींग ली है, 1/4 चम्मच हींग है। ये मैंने काली मिर्च ली है, ये आप देख सकते हैं, ये साबुत काली मिर्च है। ये 1/2 चम्मच काली मिर्च है, 20 दाने काली मिर्च के होंगे। और ये मैंने अजवाइन ली है, 1 चम्मच अजवाइन है। अब इन तीनों चीज़ों को, काली मिर्च को और हींग को और अजवाइन को, तीनों को हमें मिलाकर मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है। ये इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने पीस लिया है। इन सबको मैं, ये जो मैंने पानी और ये भी तेल लिया था, इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने नमक लिया है, नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ। ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, खाने वाला सोडा जो होता है, ये वही है। ये मैंने 1/2 चम्मच लिया है, ये वाली चम्मच से 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसे हाथ से भी कर सकते हो, बिस्कर की मदद से। मैं इसे हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ। इससे हमें इसको अच्छी तरह मिलाना है। अब हमें इसे चलाना है। इस तरह से हमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है। आप देख सकते हैं इसका कलर अब बिल्कुल चेंज हो गया है और तेल और पानी अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसे 1 मिनट अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब आप देख सकती हैं ये बिल्कुल घी की तरह लग रहा है देखने में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डाल करके मिलाते जाएंगे। इस तरह हम इसमें बेसन डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। बेसन पूरा एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और अच्छी तरह से ये मिल जाए। इस तरह से हमें इसमें बेसन को मिलाते जाना है। आप इसका नाप का सही ध्यान रखें तो आपके गाठियाँ बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होंगे। हमें इस तरह से इसे अच्छी तरह से फेंटना है। आप चाहो तो इसे हाथ से भी कर सकते हो, बट ये स्पून से भी अच्छी तरह से हो जाता है। अब ये बैटर मुझे थोड़ा भी गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा पानी और ले लेती हूँ। ये मैंने 1/4 कप, 1/4 कप पानी और लिया है। अब हम देखते हैं इसमें कितना पानी और लगता है। इसमें से मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। अभी हमारा ये बेसन जो बचा है वो भी मैंने इसमें सारा डाल दिया है और इसमें से थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। इस तरह से हमें इसको फेंटते जाना है। वैसे तो गाठियाँ मशीन से बनाती हैं, पर मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से बिना मशीन के गाठियाँ बनाने सिखाऊंगी।
हमें इस तरह का बैटर ही चाहिए। ये बस इसे हमें अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह फेंट लेना है, कम से कम 4-5 मिनट तक इसी तरह से फेंटना है ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और बेसन थोड़ा हल्का हो जाए। इसमें से मैंने 1/4 कप पानी लिया था, इसमें से थोड़ा पानी बच गया है, बस थोड़ा सा ही पानी लगा है। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं मुझे इसे फेंटते फेंटते 5 मिनट हो गई हैं और बेसन का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा वाइटनेस पे आ गया है। तो बस अब हमारा बैटर तैयार है, अब हम गाठियाँ बनाएंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। गाठियाँ वैसे तो मशीन से बनाई जाती हैं बट आज हम मशीन से ना बनाकर इस कड़छली से बनाएंगे। ये तो इस तरह की कड़छली हर किसी के घर में होती है, इसे आप जो भी बोलते हो कड़छली पलटा जो भी है, ये छेद वाला हर किसी के घर में होता है, तो आज हम इसी से बनाएंगे। इसे हम पहले थोड़ा हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। हमें ऑयल को बहुत तेज गर्म नहीं करना, मीडियम गर्म पे ही हमें इसे तलना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम इस कड़छली पे थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसे इस तरह से आप चाहो तो चम्मच से बनना, तो आप इसे हाथ से ही बना सकते हो। मैं इसे हाथ से निकाल रही हूँ, इस तरह से हमें गाठियाँ निकालते रहना है। बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही बढ़िया गाठियाँ बनकर के तैयार होती है। आप देख सकती हैं हमारे गाठियाँ सिक्कर के ऊपर आ गई हैं, अब हम इन्हें पलट देते हैं। यदि आपको लगे कि आपका बेसन थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें हल्का सा 1 चम्मच बेसन ऐड कर सकती हैं। और बेसन को हमें छान कर ही लेना है। मेरा बेसन तो घर का पिसा हुआ था तो मेरा पहले से छना हुआ तैयार था। यदि आपका बाजार का बेसन है तो आप इसे पहले छाने उसके बाद आप इसे यूज करें। ये हमारे गाठियाँ सिक गई है, मैं इनको उतार लेती हूँ क्योंकि इनको लाल नहीं करती हैं, हमें इनको थोड़ा सफ़ेद सा ही रखना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसको हम एक टिश्यू पेपर पर डाल देंगे। हम इसी तरह हमें दोबारा के भी बना लेनी है। मैंने थोड़ा बेसन इस पर रख दिया है। इस तरह हाथ से हमें डालते जाना है इसमें। बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है। यदि आपके पास मशीन है तो आप उससे ही बनाएं क्योंकि मशीन से और ही बढ़िया आएंगे। तो हम इनको भी पलट देते हैं और थोड़ी देर इनको सिकने देते हैं। आप भी इस तरह से इस ओली पर अपने घर गाठियाँ बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, ये भी सिक गए हैं मेरे। गैस की फ्लेम को हमें बहुत ध्यान रखना है, तेज ना हो जाए वरना हमारी सारी गाठियाँ जल जाएंगे। इसको भी मैं यहाँ निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पर। इसी तरह हमें अपनी सारी गाठियाँ तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारी गाठियाँ बनकर के तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स यदि आप मशीन से बनाएंगे तो इनकी शेप भी अच्छी आएगी, तो यदि आपके पास मशीन है तो मशीन से ज़रूर बनाइएगा, तो ये देखने में और भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। आप इस तरह मेरी तरह भी एक बार बनाकर देखिएगा, ये भी गाठी आपको बहुत ही पसंद आएंगे। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।